Hello everyone. In this video we will read chapter The Strategist. Strategist means what? The one who is adept, who is skillful as making strategies. So it starts with a question. Do you like parties? Do you like to play party games? And what's your favorite party game? Read about some young people at a party and games they play. So in this story we are going to read about some young people, how they enjoy the party and what sort of games they play during all these. Mr. Jallet's young people's parties were very exclusive. It came cheaper that way because you could ask fewer to come. Mrs. Jallet's ke parties काफ़ी exclusive होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कम लोगों के को आने की इजाज़त होती. ओनली फ्यू मैन वेयर गिवन द चांस टू कम टू दिस पार्टी. देर विल बी अबाउट 10 गर्ल्स, स्पेक्यूलेटेड रॉलो एज ही ड्रॉप टू द फंक्शन, एंड आई सपोज 4 फेलोज अनलेस द रॉल्स लेज ब्रिंग दियर कजिन, विच हेवन फॉरबिड, दैट वुड मीन जैक एंड मी अगेंस्ट 3 ऑफ देम. तो यहाँ हमें दिख रहा है फर्स्ट कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रॉलो, जो कि ये अंदाज़ा लगा रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है कि वहाँ ऑलमोस्ट 10 गर्ल्स होंगी. और जब वो फंक्शन की तरफ जा रहा होता है तो वो सोचता है कि आई सपोज 4 फेलोज, वहाँ पे 4 लोग होंगे, हाँ, बशर्ते कि रॉसले अपनी कज़िन के साथ वहाँ पर ना आ जाए. अगर ऐसा होता है तब तो भगवान माफ़ करे. इसका मतलब था कि जैक और मैं और 3 और लोग वहाँ पे होंगे. अगर रॉसले अपनी कज़न के साथ नहीं आता है तो वहाँ 5 लोग होंगे, जिसमें एक जैक होगा, एक मैं रहूँगा और 3 वे तीनों. रॉलो एंड द रॉसले ब्रदर्स हैड मेंटेन्ड एन अनडाइंग फ्यूड ऑलमोस्ट फ्रॉम नर्सरी डेज. रॉलो और रॉसले ब्रदर्स का नर्सरी के दिनों से ही लंबा झगड़ा चलता रहा था. दे ओनली मेट नाउ एंड देन इन द हॉलीडेज and the meeting was usually tragic for whoever happened to have the fewest backers at hand. वो लोग अक्सर मिला करते अपने holidays के दिन में, और ये meeting हमेशा उसके लिए दुख भरी होती, tragic होती, जिसके पीछे कम लोग खड़े होते. मतलब जिसके पास कम लोग होते वो अक्सर इस लड़ाई में हार जाया करता. Rollo was counting on the presence of a devoted and muscular supporter to be a strong team. अब रॉलो किसी ऐसे का इंतज़ार कर रहा था कि कोई एक डिवोटेड और एक कोई मस्कुलर सपोर्टर उसकी टीम में आ सके. एज ही अराइव्ड ही हर्ड हिज प्रोस्पेक्टिव सपोर्टर्स सिस्टर अपोलोजाइजिंग टू द होस्टेस फॉर द अनअवॉइडेबल एब्सेंस ऑफ हर ब्रदर. अ मोमेंट लेटर ही नोटेड दैट द रॉसलेज हैड ब्रॉट देयर कजिन. अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो सुनता है कि अपने एक टू बी सपोर्टर, एक ऐसे सपोर्टर के बारे में जिसे होना तो चाहिए था, लेकिन उसकी बहन यहाँ पे माफ़ी मांग रही है होस्टेस से, मिसेस जैलेट से, कि वह यहाँ पे नहीं आ पाएगा. मतलब जो सपोर्टर एक रॉलो का होना चाहिए था वह आज की पार्टी में नहीं आने वाला था. और अगले ही मोमेंट पे उसको मालूम पड़ जाता है कि रॉसले भी आ रहा है और साथ साथ उसका कज़िन भी आ रहा है. अब द सिचुएशन इज़ वेरी टफ. लेट्स सी. 2 against 3 वुड हैव बीन एक्साइटिंग एंड पॉसिबली अनप्लीजेंट. 2-3 के अगेंस्ट होते तो फिर भी एक्साइटिंग था, मज़ेदार था. बट 1 against 3 वुड बी एज अम्यूजिंग एज अ विजिट टू द डेंटिस्ट. लेकिन 1 और वो भी 3 के अगेंस्ट, ये तो ऐसा है जैसे मुझे किसी डेंटिस्ट के पास जाना हो. रॉलो ऑर्डर्ड हिज कैरेज फॉर एज अर्ली एज डिसेंट पॉसिबल एंड फेस्ड द कंपनी विद अ स्माइल. तो रॉलो ने अपनी बग्घी को जितने डिसेंट, जितने भले तरीके से हो सकता था उसने उसे कॉल किया, और बाकी कंपनी को मुस्कान के साथ, एक स्माइल के साथ मिलता है. नाउ यू चिल्ड्रन वुड लाइक टू प्ले गेम्स आई सपोज, सेड मिसेस जैलेट. द यंग गाइज वर टू वेल मैनर्ड टू कॉन्ट्रडिक्ट हर, बट दे वर देयर टू प्ले. तो जब मिसेस जैलेट उनसे पूछती हैं कि अब शायद तुम्हें गेम खेलना पसंद होगा, तो मिसेस जैलेट की बातों को कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाता. लेकिन सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर क्या खेला जाए, व्हाट वर देयर टू प्ले. आई नो ऑफ अ गुड गेम, सेड
एल्डर रॉसले. अब रॉसले ब्रदर्स में से जो बड़ा था वो कहता है कि मुझे एक अच्छा गेम पता है. द बॉयज लीव द रूम एंड थिंक ऑफ अ वर्ड, देन दे कम बैक अगेन एंड द गर्ल्स हैव टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इज़. मैं एक अच्छा गेम जानता हूँ. लड़के रूम से बाहर जाएंगे, एक वर्ड सोचेंगे और फिर वापस आएंगे, और गर्ल्स को ये पता करना है कि वो वर्ड कौन सा है. रोलो न्यू द गेम. रोलो को ये गेम के बारे में पता था. ही वुड हैव सजेस्टेड इट हिमसेल्फ इफ हिज फैक्शन हैड बीन इन द मेजोरिटी. वो खुद ही इस गेम के बारे में सजेस्ट करता अगर उसकी टीम मेजोरिटी में होती. इट डजेंट प्रॉमिस टू बी वेरी एक्साइटिंग, सेड द सुपीरियर डोलोरस स्नीप एज द बॉयज फिल्ड ऑफ द रूम. तो जो सुपीरियर था सब में डोलोरस स्नीप, वो कहता है कि ये ज़्यादा एक्साइटिंग गेम तो नहीं होने वाला. और जब वो ऐसा कह रहा था तो बाकी लड़के रूम से बाहर जा रहे थे. द वर्ड चूजर्स लॉक देमसेल्फ इन द लाइब्रेरी टू इंश्योर दैट देयर डिस्कशंस वेर नॉट इंटरप्टेड और ओवरहर्ड. देन दे वेंट बैक टू द वेटिंग गर्ल्स. अब जो वर्ड चूजर्स थे उन्होंने अपने आप को एक लाइब्रेरी में बंद किया और ये इंश्योर किया कि जो कुछ भी बातें वहाँ वे लोग कर रहे थे उनकी बातों को सुना ना जाए या उसमें इंटरप्ट ना किया जाए. देन दे वेंट बैक टू द वेटिंग गर्ल्स. और फिर वो लोग अपने डिस्कशन के बाद जाते हैं वहाँ जहाँ पे गर्ल्स उनका वेट कर रही थी. द वर्ड इज कैमल, अनाउंस द रॉसले कज़िन. तभी रॉसले कज़िन में से एक चिल्ला उठता है कि ये तो वर्ड कैमल है. यू स्टूपिड, स्क्रीम द गर्ल्स. लड़कियाँ चिल्ला कर कहती हैं यू स्टूपिड, वी हैव गॉट टू गेस द वर्ड नाउ, यू विल हैव टू गो बैक एंड थिंक ऑफ अनदर. हमें इस वर्ड को गेस करना था ना, अब तुम वापस जाओ और दूसरा वर्ड सोच कर आओ. नॉट फॉर वर्ल्ड्स, आई मीन द वर्ड इजंट रियली कैमल, वी वर ब्लफिंग, सेड रोलो प्रिटेंडिंग ड्रोमेडरी, ही व्हिस्पर्ड टू द बॉयज. अब रोलो जो कि शुरू से ही इस सोच के साथ ही यहाँ पे आया है कि वो खुद को लोगों के बीच एक सुपीरियर तरीके से पेश करेगा, वो कहता है कि नहीं नहीं ये वर्ड कैमल बिल्कुल नहीं था, ये वर्ड हम तो झूठ बोल रहे थे, हम तुम्हें धोखा दे रहे थे. प्रिटेंड ड्रोमेडरी. ड्रोमेडरी मतलब क्या, ये एक ऐसा एनिमल है, कैमल फैमिली का ही है जिसके हम्प होते हैं. तो वो अपने फ्रेंड्स की तरफ इशारा करके कहता है कि इस वर्ड को चेंज कर दो, इट्स नॉट द कैमल, रैदर वी हैव टू से दैट इट्स ड्रोमेडरी. आई हर्ड देम से ड्रोमेडरी, आई हर्ड देम, आई डोंट केयर व्हाट यू से, आई हर्ड देम, स्क्वील द इरिटेटिंग डोलोरस. और जो वहाँ पे एक डोलोरस नाम का लड़का है वो कहता है कि मैंने सुना है उन्हें ड्रोमेडरी वर्ड कहते हुए, मैंने सुना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहोगे, लेकिन मैंने सुना है उन्हें कि वो उसे फुसफुसा कर कह रहा था कि चेंज द वर्ड टू ड्रोमेडरी. विथ ईयर्स एज लॉन्ग एज हर्स वुड हियर एनीथिंग, थॉट रोलो. और रोलो सोच रहा है कि जितने बड़े इसके कान हैं ये तो कुछ भी सुन सकती है. वी विल हैव टू गो बैक, आई सपोज, सेड द एल्डर रॉसले. अब जो एल्डर रॉसले है वो कहता है कि शायद अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा. द बॉयज लॉक देमसेल्फ वंस मोर इन द लाइब्रेरी एंड डिबेटेड द चॉइस ऑफ द नेसेसरी वर्ड. अब लड़कों ने अपने आप को दूसरी बार एक बार लाइब्रेरी में बंद किया और फिर वर्ड को चूज करने के लिए उन्होंने ढूंढा. मस्टंग वॉज नो गुड एज हाफ द गर्ल्स वुडंट नो व्हाट इट मीन्ड. फाइनली क्वागा वॉज चूजन. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मस्टंग एक अच्छा वर्ड नहीं होगा. मस्टंग इज़ अ वाइल्ड हॉर्स, तो ये एक अच्छा वर्ड नहीं होगा क्योंकि हाफ से आधा से ज़्यादा लड़कियों को इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा. तो फाइनली क्वागा वॉज चूजन. नाउ व्हाट इज़ क्वागा? क्वागा इज़ अ टाइप ऑफ ज़ेब्रा विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट. अब ये नहीं पाया जाता है, बट इट्स नेम इज़ क्वागा. यू मस्ट कम एंड सिट डाउन ओवर हियर, कोरस्ड द गर्ल्स ऑन देयर रिटर्न, बट रोलो वॉज एडमेंट दैट द क्वेश्चन्ड पर्सन ऑलवेज स्टैंड अप. लेकिन एडमेंट बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहा था इस बात को मानने के लिए कि जिसे क्वेश्चन पूछा गया हो वो खड़ा ही रहे. ठीक है, तो व्हेन द गर्ल्स सेड अलाउड कि आप लोग आ जाओ और अब यहाँ पर बैठ सकते हो, तो रोलो जो कि खुद को थोड़ा स्पेशल साबित करना चाहता था वो इस बात पे अड़ा रहा कि नहीं, जिसे क्वेश्चन पूछना है वो तो खड़ा होकर के ही अपनी बातों को सबके सामने रखेगा. ऑन द होल इट वॉज अ रिलीफ व्हेन द गेम एंडेड एंड द सपर वॉज अनाउंस्ड. तो हालांकि सबको तब राहत महसूस हुआ जब गेम ख़त्म होता है, क्योंकि द गेम वॉज गेटिंग क्वाइट सॉर्ट ऑफ बोरिंग. तो सपर वॉज अनाउंस्ड और रात का खाना भी सबके लिए दोपहर का खाना भी सबके लिए अनाउंस हो गया था. मिसेस जैलेट डिड नॉट स्टिंट हर यंग गेस्ट्स
बट शी नेवर पुट एक्स्ट्रा गुडीज ऑन हर सपर टेबल। अब मिसेस जेलेट जो थी वो अपने गेस्ट्स को कुछ भी कम तो नहीं देती, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा भी टेबल पे नहीं रखती थी। इट वॉज़ यूजुअली गुड पॉलिसी टू टेक वॉट यू वॉन्टेड वाइल इट वॉज स्टिल देयर। ये एक अच्छी पॉलिसी भी थी कि किसी को भी तब तक वो चीज़ें ना दी जाएँ जब तक कि वो टेबल पे रखी हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बर्बाद करने से बेहतर है कि पहले जो टेबल पे रखी हैं उसे ख़त्म किया जाए। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द लेटर पेजेस। ऑन दिस ओकेजन शी हैड प्रोवाइडेड 16 पीचेस टू गो अराउंड 14 चिल्ड्रेन। यहाँ टेबल पे 16 पीचेस रखी थी 14 बच्चों के लिए। इट वॉज रियली नॉट हर फॉल्ट दैट द टू रॉसले एंड देयर कजिन हैड ईच क्वाइटली पॉकेटेड एन एक्स्ट्रा पीच। अब इनमें इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी जब पीचेस घट गए, क्योंकि दोनों रॉसलेज ने और उनके कज़िन ने तो मिल करके ये पीचेस जो थी वो एक एक्स्ट्रा पीच अपने पास रख ली थी। बट इट वॉज अनॉइंग फॉर डोलोरेस एंड द फैट गुड नेचर्ड एग्नेस ब्लेक टू बी लेफ्ट विथ वन पीच बिटवीन देम। लेकिन अब ये डोलोरेस और उस फैट गुड नेचर्ड एग्नेस ब्लेक को पसंद नहीं आ रहा था कि उन दो लोगों के लिए सिर्फ एक पीच ही बचा था। आई सपोज वी हैड बेटर हैव इट, सेड डोलोरेस सावरली। अब बेचारा डोलोरेस थोड़ा उदास होकर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे हाफ हाफ ही करना पड़ेगा। बट एग्नेस वॉज फैट फर्स्ट एंड गुड नेचर आफ्टरवर्ड्स। लेकिन एग्नेस पहले तो मोटा था और दूसरा वो गुड नेचर उसके बाद था। मतलब पहले वो मोटा था। दोज वेयर हर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन लाइफ, और ये उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। शी वॉज वेरी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स डोलोरेस बट शी हैस्टिली devoured the peach। वो काफ़ी sympathetic तो थी डोलोरेस के प्रति, लेकिन वो बिल्कुल भी उस पीच को बांटना नहीं चाहती थी। explaining that the juice would go waste if it was cut। लेकिन उसने तुरंत ही उस पीच को खा लिया उसने, ये कहते हुए कि अगर इसे कट किया जाएगा तो शायद इसका टेस्ट ख़राब हो जाए। After refreshments, Mrs. Jellett said, Now what shall we do? Refreshments के बाद मिसेस जैलेट कहती हैं कि अब क्या किया जाए। द प्रोफेशनल कंज्यूरर हुम आई हैड एंगेज्ड हैड फेल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, कैन एनी ऑफ यू रिसाइट। वो कहती है कि मैंने जिस मैजिशियन को बुलाया था वो तो आज किसी कारण से नहीं आ पाया, लास्ट मोमेंट पे उसने ये बताया, तो क्या तुम में से कोई रिसाइट कर सकता है। एवरीवन पैनिक्ड, सब कोई घबरा गया। डोलोरेस वॉज नोन टू रिसाइट लॉक्सले हॉल ऑन द लीस्ट इनकरेजमेंट। देर हैड बीन ओकेजन्स विन हर ओपनिंग लाइन Comrades, leave me here a little had been taken literally by a large section of her hearers. There was a murmur of relief when Rollo declared that he could do a few conjuring tricks. तो अब यहाँ पे सबसे पहले आती है डोलोरेस, जो कि ये कहती है कि लॉक्सले हॉल के बारे में वो कहती है कि वो इसे रिसाइट कर सकती है, लेकिन कोई भी उसे इनकरेज नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ भी था उसके साथ जब उसने कहा कि लीव मी हियर अ लिटिल, मतलब मुझे कुछ देर के लिए वक्त दिया जाए, तो ऑडियंस उसकी इस बात को सुन करके वहाँ से परमानेंटली वहाँ से उठ के चले ही जाया करते। सो दिस वॉज नॉट न्यू फॉर हर। देर वॉज अ मर्मर ऑफ रिलीफ, सभी को थोड़ी राहत महसूस हुई जब रॉलो, जो कि शुरू से ही खुद को ओवर कॉन्फिडेंट शो करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा स्पेशल शो करने की कोशिश कर रहा है, वो फिर से कहता है कि ही नोज एंड ही कुड डू अ फ्यू कंज्यूरिंग tricks. You have seen a conjurer take coins and cards out of people. आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक magician लोगों से coins और cards ले लेता है. Well, I am going to take more interesting things out of you. Mice, for instance. वो कहता है कि मैं आपके पास से कुछ और भी interesting चीज़ निकाल सकता हूँ बस coin और card के अलावा. It's a mice, चूहा. Not mice. A loud protest rose as he had foreseen for the majority of his audience. अब वो कहता है, अब उसी में से किसी एक ने कहा कि नहीं नहीं माइस नहीं, क्योंकि शायद उसने मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस में से इस एक चूहे को देख लिया था। एक्चुअली ही हैड सीन दैट रॉलो हैड अ माउस। अब फिर रॉलो का एक और प्लान भी बेकार जाता है। वेल फ्रूट देन द सजेशन वॉज अप्रूव्ड, एग्नेस पॉजिटिवली बीम्ड। तब बात हुई कि अब एक फ्रूट पे ही ट्राई किया जाए। विदाउट मोर अडो Rollo made straight for his trio of enemies, plunged his hand into her jacket pockets and produced 3 peaches. और अब Rollo, जिसे मौका मिल गया था अपने मैच दिखाने का अपने तीनों enemies के सामने, उसने तुरंत ही अपने जैकेट के पॉकेट में हाथ डाला और एक पीच
निकाल दिया. देयर वॉज नो अप्लॉज बट नो अमाउंट ऑफ हैंड क्लैपिंग वुड हैव गिवन द परफॉर्मर एज मच प्लेजर एज ही साइलेंस विच ग्रीटेड हिज ट्रिक. अब रोलो ने इस पर एक बड़ा चालाकी भरा गेम खेला. एक्चुअली उसने देख लिया था कि इन रॉसले ब्रदर्स की पॉकेट में अ पीच हैज़ बिन हिडन. तो वह जादू से क्या करता है कि उनके जैकेट से एक पीच निकाल देता है और इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कोई तालियां भले ही ना बजाए लेकिन यहाँ पर रोलो काफ़ी खुश है क्योंकि उसने रॉसले ब्रदर्स की चोरी पकड़वा दी है. ऑफकोर्स वी वर इन द नो सेड द रॉसले कज़िन फीबली. अब जो रॉसले का जो कज़िन था वो थोड़ा बुझे हुए से कहता है कि मुझे पता था कि ये होने वाला है. दैट्स डन इट चकल्ड रोलो टू हिमसेल्फ. रोलो खुद को कहता है कि चलो हो गया. इफ दे हैड बीन कॉन्फेडरेट्स दे वुड हैव स्वॉर्न दे न्यू नथिंग अबाउट इट सेड डोलोरेस. अगर वे लोग इस बात पे एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग होते तो शायद उन्होंने कसम खा ली थी कि वो कभी भी दूसरे को बताएंगे नहीं. सो दे न्यू नथिंग अबाउट इट. मतलब अगर ये लोग कॉन्फेडरेट्स होते हैं, अगर एक ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो शायद ये बात किसी को कभी भी नहीं पता चलती. नाउ लेट्स सी, डू यू नो एनी मोर ट्रिक्स आस्क्ड मिसेस जैलेट हरीडली. मिसेस जैलेट जिन्होंने एक मैजिक देख लिया है वो कहती है कि क्या तुम्हें कोई और भी मैजिक ट्रिक पता है. रोलो डिड नॉट. ही हिंटेड दैट ही माइट हैव चेंज द थ्री पीचेस इनटू समथिंग बट एग्नेस हैड ऑलरेडी कन्वर्टेड वन इनटू गर्ल फूड सो नथिंग मोर कुड बी डन विद हिम. तो रोलो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता. हालांकि वो इशारा करता है कि अगर उसे कहा जाए तो शायद वो इन तीनों पीचेस को किसी और चीज़ में चेंज कर सकता है. बट एग्नेस ने पहले ही कन्वर्ट कर दिया था एक गर्ल को फूड में. सो नथिंग कुड मोर बी डन विद देम. तो इससे कुछ और ज़्यादा नहीं किया जा सकता था. गर्ल को फूड में इज़ द सॉरी वर्ड आई सेड इट रॉन्ग. इट्स गर्ल फूड मीन्स उस लड़की ने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया था खाकर. आई नो अ गेम सेड द यंगर रॉसले प्राउडली. मुझे एक और गेम पता है. छोटा ही रॉसले था वो कहता है वेयर द फेलोज गो आउट ऑफ द रूम एंड थिंक ऑफ सम कैरेक्टर इन हिस्ट्री देन द कम बैक एंड एक्ट हिम एंड टू गेस हुज इट मीन्ट फॉर. रॉसले कहता है कि मुझे एक और गेम पता है. जब लोग कमरे से बाहर जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स हिस्ट्री के सोच करके आएंगे देन दे कम बैक एंड एक्ट हिम द गर्ल्स विल टेल व्हाट्स इट मीन फॉर. ये किसके लिए था. आई एम अफ्रेड आई हैव टू लीव नाउ सेड रोलो टू हिज हॉस्टेस. अब एकाएक रोलो कहता है अपनी हॉस्टेस से आई एम अफ्रेड आई हैव टू लीव. मुझे जाना होगा. योर कैरेज वॉन्ट बी हेयर फॉर अनदर 20 मिनट्स सेड मिसेज जैलेट. मिसेज जैलेट कहती हैं कि तुम्हारा कैरेज तो यहाँ पे लगभग अगले 20 मिनट्स के लिए भी यहाँ पे नहीं आने वाला. इट्स सच अ फाइन इवनिंग आई थिंक आई विल वॉक एंड मीट इट. वो कहता है कि नहीं ये फाइन इवनिंग है, मैं चला जाऊँगा और खुद ही अपने कैरेज को ढूंढ लूँगा. इट्स रेनिंग रैदर स्टीडली जस्ट नाउ यू हैव टाइम टू प्ले दैट हिस्टोरिकल गेम. वो कहता है वो मिसेज जैलेट कहती हैं कि अभी तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है इस गेम को खेलने के लिए. वी हैवंट हर्ड डोलोरेस रिसाइट रोलो सेड रोलो डेस्परेटली. अब रोलो बिल्कुल कहता है कि हमने तो अभी डोलोरेस को रिसाइट करते भी नहीं सुना. एज सून हैज ही हैड सेड इट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक लॉक्सले हॉल इट वुड नॉट बी द डिक्लेयर्ड यूनिमसली फॉर हिस्ट्री गेम. तो जैसे ही उसने कहा कि डोलोरेस को अपनी पोएम रिसाइट करनी है, सभी लोग कहते हैं लॉक्सले हॉल इट वुडंट बी. इससे अच्छा तो है कि हम लोग हिस्ट्री गेम ही खेल लें. मतलब रोलो को एक बार फिर अपने बात को लेकर थोड़ा पीछे हटना पड़ गया बिकॉज ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड दैट एवरीबडी शुड लिसन वॉट ही ट्राइज टू से. और क्योंकि उसके पास यूनानिमिटी नहीं थी, उसके पास लोग कम थे उसकी बातों को सपोर्ट करने के लिए, तो बेचारे की बात को एक बार फिर से ध्यान नहीं दिया गया. रोलो प्लेड हिज लास्ट कार्ड. अब उसने अपना अंतिम दाव खेला. इन अ विस्पर मीन्ट फॉर द रॉसले बॉय बट केयरफुली पिच टू रीच एग्नेस ही सेड ऑल राइट ओल्ड मैन वी विल गो एंड फिनिश दोज चॉकलेट्स वी लेफ्ट इन द लाइब्रेरी. तो वो एक ऐसे वॉइस में कहता है जो कि रॉसले ब्रदर्स
सुन पाए, लेकिन वो ऐसा एक्ट करता है कि वो सुनाना चाह रहा है एग्नेस को। वो कहता है ठीक है ओल्ड मैन, अब हम लोग जाएंगे और चॉकलेट्स खाएंगे जो कि लाइब्रेरी में रखी है। आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट द गर्ल शुड टेक देयर टर्न इन गोइंग आउट, एक्सक्लेम्ड एग्नेस। लेकिन एग्नेस कहता है कि मुझे ये लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि पहले गर्ल्स जाएं और अपनी बारी के चॉकलेट्स खाएं। नॉनसेंस, सेड द अदर्स, देयर आर टू मेनी ऑफ अस, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। वेल, फोर ऑफ अस कैन गो, आई विल बी वन ऑफ देम। एंड एग्नेस डार्टेड ऑफ द लाइब्रेरी फॉलोड बाई थ्री लेस ईगर गर्ल्स। सबसे पहले जाता है फिर कौन? सबसे पहले जाती है एग्नेस और इनके पीछे तीन और गर्ल्स जिन्हें की चॉकलेट्स खाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। रॉलो सैंक इनटू अ चेयर, विंग्ड एंड स्माइल्ड एवर सो फेंटली एट द रॉसलेस। रॉलो अपनी कुर्सी में बैठा है, विंग्ड मतलब पलके झपका रहा है और स्माइल भी कर रहा है रॉसलेस पे। फ्रॉम द लाइब्रेरी केम द साउंड ऑफ मूविंग फर्नीचर, एग्नेस वॉज लीविंग नथिंग अनटर्न्ड इन हर सर्च फॉर द मिथिकल चॉकलेट्स। एग्नेस वहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी सिवाय की चॉकलेट्स के। वो चॉकलेट्स एक्चुअली वहाँ पे थे ही नहीं, इट वर इमेजिनरी चॉकलेट्स। एंड देन केम अ मोर ब्लेस्ड साउंड, व्हील्स क्रंचिंग वेट ग्रेवल। और तभी वहाँ पे एक और साउंड आती है जब व्हील्स के चलने की आवाज़ ग्रेवल के ऊपर, जब सैंड के ऊपर व्हील चलता है तो दैट साउंड क्रिएटेड क्रंच साउंड, सो दैट साउंड इज़ बीन हर्ड। इट्स बीन अ मोस्ट एन्जॉयबल इवनिंग, थैंक यू मिस चैलेट, सेड रॉलो टू हिज हॉस्टेस एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज वेटिंग कैरेज। सो फाइनली द इवनिंग कम्स टू एंड व्हेन ही सेज गुड इवनिंग एंड गुड बाय टू हिज हॉस्टेस मिसेस जैलेट, एंड देन ही गेट्स बैक इनटू द कैरेज। सो व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट दिस स्टोरी? दिस स्टोरी हैज़ बेसिकली थ्री कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज मिसेस जैलेट who hosts the party. Second one is Rollo. Rollo is every time very considerate, very thoughtful about his presence among others. वो हमेशा ही चाहता है कि उसे लोगों के बीच जाना जाए. But it's Rossley cousins जो कि उसके enemy हैं लंबे समय से, उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते. So throughout the party, Rollo tries to overshine them, outshine them, and at the end, he perhaps outshines them also. शायद स्टोरी के अंत में वो उन्हें outshine भी करता है, उन्हें बेवकूफ़ भी बना देता है. When their team went there and they had to search for chocolates which actually were not there. It's the story is written by Saki. Saki is the pen name of Hector Huff Munro, a prolific Scottish author. He is often referred to as the master of short stories and is compared to the well-known authors like O. Henry and Dorothy Parker. So that's all for today. In our next video, we will read another chapter. So till then, thanks.